ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर यूपी के एटा से है, जहां जनपद एटा में डीएम सुखलाल भारती के व्हाट्सएप पर शनिवार को एक मैसेज आया, जिसमें एक 88 साल के बुजुर्ग के लिए दवा की मांग की गई थी। डीएम के मोबाइल नंबर पर मैसेज करने वाले व्यक्ति राज चौहान, जो कि एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात हैं। राज चौहान ने डीएम सुखलाल भारती को मैसेज कर बताया कि मेरे पिताजी 88 वर्ष के हैं, उनकी दवाएँ खत्म हो गई हैं। लॉकडाउन के चलते परिजन दवाएँ खरीदने में असमर्थ हैं, कृपया हो सके तो ये दवाएँ मिल जाती। बस फिर क्या था, डीएम सुखलाल भारती ने तत्काल टीम को निर्देशित कर दवाएं मंगाई गईं और सोमवार सुबह तक उनकी दवाएं पहुंचा दी गईं। दवाओं को आज जिला कासगंज के गंज टुंडवारा पहुंचा दिया गया है। डीएम सुखलाल भारती ने अपने जनपद से अलग दूसरे जनपद में दवा पहुंचाने के इस सेवाभावी कार्य को लेकर एटा डीएम सुखलाल भारती की इलाके में जमकर प्रशंसा हो रही है। वहीं 88 वर्षीय बुजुर्ग और उनके परिवारजनों ने एटा डीएम सुखलाल भारती को धन्यवाद दिया है। वहीं इस पूरे मामले में एटा डीएम सुखलाल भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अन्य जरूरतमंद लोगों द्वारा भी अपनी जरूरत की चीजें मंगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए नंबरों पर मैसेज आ रहे हैं, जिनको मेरे आदेश द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। मोबाइल पे ग्रुप कैप्टन है, एयरफोर्स में है वो राज चौहान। उन्होंने मैसेज किया था कि उनके पिताजी 87 साल के हैं, गंज डुंडवारा रोड पे कासगंज में शायद उनका घर है, तो उनके पिताजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और सोमवार तक वो दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए। और उनके पिताजी की उम्र 87 साल की है और इसमें लॉकडाउन की स्थिति है, दवा उन तक पहुँच नहीं सकती। तो अगर उनकी मदद कर दिया, उनकी दवा अगर पहुँच के पहुँचा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे तरह तो उनकी दवा खरीद करके और कल 10 बजे तक उनके घर तक दवा पहुँचा देंगे। और मैसेज चूँकि मेरे मोबाइल पे आया है, तो ये छोटी सी बात थी, इतनी सुविधा तो हम दे सकते हैं। और सेना में जवान हैं, वहाँ सेवन कैप्टन हैं और इतनी दूर हैं, वो पहुँच नहीं सकते। उनके पिताजी की उम्र 87 साल है, वो भी नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज बनता है कि मतलब ऐसे लोगों की मदद करना जो हमारे लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं सेना में रह करके, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन लोगों की सहायता की जाए। ज़रूरतमंद लोगों के ऐसे मैसेज और भी आ रहे हैं? नहीं, ज़रूरतमंद लोगों के बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि हमको मतलब हमारे लिए खाना ख़त्म हो गया है, तो राशन ख़त्म हो गया, तत्काल हम पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को। सबके जहां से भी फ़ोन आते हैं इस तरह के, खाने की कमी के संबंध में या राशन के संबंध में, हम लोग तत्काल उनको भोजन पहुंचाते हैं। हमारा स्टाफ तुरंत जाता है, उनके घर भी दे के आता है, उनको राशन दे के आता है।